नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार फार्मा स्टॉक्स का, ग्लेनमार्क, ऑरो फार्मा, कॉन और वॉक फार्मा। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स को लेकर मार्केट में क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से भी इनका एनालिसिस करेंगे। तो ये चारों फार्मा स्टॉक्स अभी काफी अच्छे लेवल पे है जहां पे हम बाई के लिए इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनली मेरे पास बायोकॉन है 380 के लेवल्स पे। और हम दोस्तों, ये मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। मार्केट के इन्वेस्टमेंट दोस्तों रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर करें। हमारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि कल डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट्स आए थे जो कि एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थे। उसकी वजह से डॉक्टर रेड्डी ने सारे पूरे ही फार्मा सेक्टर के फॉल को लीड किया। तो पूरा आप यहां पे देखिए, पूरा फार्मा इंडेक्स 5% गिर गया है। जब इंडेक्स 5% गिरता है तो स्टॉक्स ऑब्वियस है 5% उससे ज्यादा गिरेंगे ही। तो ये अब हमें फार्मा में काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मुझे पर्सनली दिख रही है। आइए दोस्तों, अब मैं वॉक फार्मा की अगर बात करूं तो कंपनी ने 6.58 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। और यहां पे आप देखिए, पिछले साल इस टाइम कंपनी ने 759 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट की थी। तो ये देखिए कंपनी के लिए कैसे आप कह सकते हैं पूरा टर्न अराउंड हो गया। तो ऑब्वियस ये रिजल्ट्स तो एनालिस्ट को पसंद नहीं आएंगे, और क्योंकि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, एनालिस्ट को पहले ही से काफी कुछ पता चल जाता है। तो इसीलिए स्टॉक की प्राइस हमारी काफी गिरी है। पिछली बार जब रिजल्ट आए थे तो ये गिरावट हुई थी, उसके बाद फिर और गिरता रहा, कंसोलिडेट कर रहा था, फिर रिजल्ट आए तो गिरावट हुई। अब ये स्टॉक देखिए अपने एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट पे है। यहाँ पे ये देखिए पहले कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, अब एकदम वहीं पे आ गए। 200 डीएमए का एवरेज भी 492 है, और अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से जाएंगे तो 475 आपका सपोर्ट बनेगा। तो 475 या 490, इन दोनों में आपको ये एक अपना स्टॉप लॉस चूज कर सकते हैं रिस्क पोटेंशियल के हिसाब से, और आप करंट प्राइस पे इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे सपोर्ट पर है। अगर मैं दोस्तों बायोकॉन की बात करूं तो इसको दोस्तों देखिए 470 का टारगेट दिया है शेर खान ने 27 जुलाई की ये बात है। तो इसके लिए शेर खान मतलब इस स्टॉक को लेकर काफी बुलिश है। उन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल, टेक्निकल और ये लोग जो होते हैं आपके ब्रोकरेज हाउसेज, ये पीई और कई सारी चीजें एनालाइज करने के बाद अपना टारगेट देते हैं। अगर मैं चार्ट पे देखूं दोस्तों तो ये स्टॉक अपने 200 डे के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहां पे ले रहा है। तो इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो आप करीब करीब 410 रुपए का निकल के आएगा, और जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो जो रिसेंट का लो है उसका, तो 360 रुपीज का स्टॉप लॉस और 410 रुपीज का टारगेट, ये इसमें बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी। और अगर 410 को इसने क्रॉस किया तो ये वाला गैप ये फिल कर सकता है, तो 440 और फिर 480 तक ये स्टॉक जा सकता है 6 महीने से 1 साल के अंदर। बट ये स्टॉक यहां पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक बार, दो बार यहां पे काफी कंसोलिडेट किया, तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 380 रुपीज के आसपास। इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को खरीदा है। और अगर मैं देखूं दोस्तों ग्लेनमार्क की बात करूं तो बीच में ये स्टॉक काफी अच्छा भागा था, फिर उसके बाद इसमें वही है रिजल्ट, डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट की का इंपैक्ट इसमें मिला और ये स्टॉक में एकदम से शार्प फॉल आ गई। तो 670 का वाला स्टॉक हमारा 587 पे हो गया, और ये स्टॉक एकदम इसके अपने देखिए 575 के इसके पास 100 डीएमए का सपोर्ट है, और यहाँ पे ये देखिए प्राइस का इसको सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस एक्शन का। तो आपको अगर इसमें पोजीशन बढ़ानी है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा 575 रुपीज का, और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे दोस्तों वो पहला टारगेट 625 और दूसरा टारगेट 660 का रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 575 का स्टॉप लॉस जो कि केवल 2% का रहेगा, और 680 तक के मैक्सिमम टारगेट्स को हम अचीव करके को एम करके चल सकते हैं। ऑरो फार्मा की मैं बात करूं दोस्तों तो ये स्टॉक भी देखिए अपने एकदम 200 डे के मूविंग एवरेज के ही आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे आप इस स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें भी बहुत छोटा सा जो रिसेंट का लो था 880, तो मेरा मानना है आप 875 का इसमें स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, क्योंकि ये स्टॉक भी देखिए एक बार यहाँ पे काफी इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ भी है। तो ये देखिए बीच में यहाँ भी जब गिरा था तो 880 के पास सपोर्ट लिया था, ये रेजिस्टेंस रहा है, यहाँ पे भी इसी प्राइस पे सपोर्ट लिया था। तो इस स्टॉक में आप 880 के स्टॉप लॉस के संग पोजीशन बना सकते हैं, और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों, जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 975 का रहेगा,
और अगर आप 3-4 महीना होल्ड कर सकते हैं तो 1040 के टारगेट्स को एम करके चलेंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। टेलीग्राम चैनल पर स्पेशली हम स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छी एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।